उत्तराखंड में शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़ी खबर लेकर आए हैं। आपको बता दें उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती और एलटी प्रवक्ता शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सरकार ने एनआईयूएस डीएलएड वालों को भी मान्यता दे दी है। ऐसे में ये जो भर्ती प्रक्रिया है इस पर एक बार फिर से स्टे लग सकता है, क्योंकि आपको बता दें कि अभी जो है इसके आदेश भी जारी हो गए थे और 1 फरवरी से 7 फरवरी के बीच इसका रिजल्ट जारी होना था और 18 को इसकी काउंसलिंग थी, लेकिन इसी बीच सरकार ने कैबिनेट में फैसला लिया है और सरकार ने एनआईएस डीएलएड को मान्यता दे दी है। और ऐसे में जो बीएड टीटी बेरोजगार जो संघ है वो इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए शुक्रवार को शिक्षा मंत्री के आवास पर प्रदर्शन भी किया, साथ ही यहाँ पर ज्ञापन भी सौंपा है और इसके खिलाफ वो हाईकोर्ट में चले गए हैं। तो ऐसे में एक बार जो भर्ती प्रक्रिया है प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जिसकी यहां पर आदेश भी जारी हो गया था और जिसमें बताया गया था कि जो 18-19 वाली भर्ती है इसमें 18 फरवरी को काउंसलिंग होनी थी, जबकि जो अभी भर्ती चल रही है 2020-21 वाली इसके आदेश भी जारी हो गए थे और 18 जून को इसके भी काउंसलिंग होनी थी। तो इस प्रकार से यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया पूरी होने जा रही थी, लेकिन इसी बीच सरकार ने कैबिनेट का फैसले में एनआईयूएस अभ्यर्थियों को यहाँ पे मान्यता दे दी है, जिससे कि डीएलएड अभ्यर्थी जो है वो हाईकोर्ट चले गए हैं। इसी के साथ उत्तराखंड में एलटी प्रवक्ता शिक्षक भर्ती में भी संशोधन किया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में एलटी और प्रवक्ता के पदों के लिए बीएड की डिग्री में छूट दे दी गई है। तो ऐसे में यहां पर अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका भी दिया जाएगा। तो एक बार फिर से जो एलटी के फॉर्म है वो दोबारा से यहाँ पे भरे जा सकते हैं, क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म आने से पहले से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे और उनका कहना था कि उनको भी यहाँ पे शामिल किया जाए जिन्होंने बीएड नहीं किया है। और अब जो है यहाँ पर इसकी नियमावली में संशोधन कर दिया गया है और कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, तो ऐसे में इन अभ्यर्थियों को यहाँ पे मौका मिलेगा। तो एक बार फिर से जो है एलटी के फॉर्म के लिए यहाँ पे दोबारा से आवेदन मांगे जा सकते हैं। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि जो एलटी का जो परीक्षा की जो यहाँ पे संभावित यहाँ पे जो डेट जारी की गई थी वो अप्रैल में की गई थी, लेकिन अब जो है अगर दोबारा से इसमें फॉर्म भर जाते हैं तो ये भर्ती प्रक्रिया आगे जा सकती है, यानी इसमें एक लंबा समय फिर से लग सकता है। तो दो यहाँ पर बड़े फैसले लिए गए हैं कैबिनेट के द्वारा, तो चलिए इन दोनों हम फैसलों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एनआईयूएस को लेकर के, प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो सरकार ने एनआईयूएस डीएलएड को दी मान्यता। तो एनआईयूएस से डीएलएड करने वाले भी वर्तमान बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने के पात्र होंगे। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद एनसीटी के आदेश के अनुसार राज्य सरकार ने एनआईयूएस डीएलएड को बेसिक शिक्षक की शैक्षिक योग्यता के रूप में मान्यता दे दी है। हालांकि बेसिक शिक्षक के लिए मान्य टीटी प्रथम, आयु सीमा आदि बाकी शर्तें भी पूरी तरह से अनिवार्य होगा। शुक्रवार शाम शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने इसके आदेश कर दिए। सूत्रों के अनुसार अब शिक्षा निदेशक के स्तर से सभी जिलों के डीओ बेसिक और बेसिक शिक्षक भर्ती के लिए नए सिरे से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। एनआईयूएस डीएलएड को भी शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए कुछ अतिरिक्त समय दिया जा सकता है। सरकार के फैसले से एनआईयूएस डीएलएड वालों में खुशी की लहर है। तो इस प्रकार से एनआईयूएस अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। और आपको बता दें कि एनआईयूएस से उत्तराखंड में 30,000 से ज़्यादा जो अभ्यर्थी है, 30,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने एनआईयूएस से डीएलएड किया हुआ है। तो अब जो है यहाँ पर जो प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है, अगर यहाँ पर इस प्रकार से अगर मान्यता मिलती है तो इसमें डीएलएड अभ्यर्थियों का ही यहाँ पर सिलेक्शन हो पाएगा। और इसी वजह से जो डीएलएड जो यहाँ पे बीएड टीटी जो बेरोजगार संघ है वो दोनों जो हैं वो विरोध कर रहे हैं। यहाँ तक कि जिन्होंने डायट से डीएलएड किया है वो भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि डायट से जिन्होंने डीएलएड किया उससे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो एनआईयूएस अभ्यर्थियों के आए हुए हैं। तो ऐसे में यहाँ पे उन्होंने विरोध किया है और हाईकोर्ट की शरण भी ले ली है। तो इस वजह से जो ये भर्ती प्रक्रिया है इसमें स्टे लगना स्वाभाविक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे डायट डीएलएड बीएड टीटी बेरोजगार विरोध में, तो एनआईयूएस डीएलएड को मान्यता देने के फैसले में डायट डीएलएड प्रशिक्षित और बीएड टीटी प्रशिक्षित बेरोजगार कड़ा विरोध कर रहे हैं। बीएड टीटी प्रशिक्षित बेरोजगार संघ ने इस मुद्दे पर शुक्रवार को शिक्षा मंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया। संघ के महामंत्री बलवीर सिंह बिष्ट और मीडिया प्रभारी अरविंद राणा ने कहा कि इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण ली जाएगी। तो इस प्रकार से अब जो है जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे हाईकोर्ट जा रहे हैं, तो जिससे कि यहाँ पे स्टे लगना स्वाभाविक है। इसी के साथ आपको बता दें कि उत्तराखंड में प्रवक्ता और एलटी कला के लिए बीएड डिग्री में छूट दे दी गई है। तो एमए ड्राइंग और बीएड फाइन आर्ट की डिग्री वालों को बीएड की अनिवार्यता से मुक्ति मिलने जा रही है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा और सहायक अध्यापक एलटी सेवा नियमावली में संशोधन को हरी झंडी दे दी गई है। इससे प्रवक्ता कला और सहायक अध्यापक कला में बीएड प्रशिक्षण की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से जो इसको खत्म किया गया है, इसमें इसके साथ ही आप बताएंगे कि इन विषयों के अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन। तो एक बार फिर से इन अभ्यर्थियों को आवेदन का यहाँ पर मौका मिल सकता है। तो इस प्रकार से अगर आवेदन का मौका मिलता है तो एलटी के जो फॉर्म है एक बार फिर से यहाँ पर भरने की डेट यहाँ पर बढ़ाई जाएगी।
तो समझ सकता है। तो ये जो भर्ती प्रक्रिया है ये अब आगे बढ़ने वाली है, जिसका जो पेपर एग्ज़ाम के लिए जो प्रस्तावित तिथि अप्रैल कही गई थी वो जून जुलाई तक ही जाएगी।